Assalamu alaikum, welcome to my channel Easy Web Learning Biology. Today in this video we can discuss about muscles, their function and their types. So first of all, I would like to tell you about muscle. The definition of muscle is this, that the muscle is a specialized tissue that can undergo contraction and relaxation and provide movement to body parts or whole body is called muscle. मसल जो है हमारे पास एक स्पेशलाइज टिश्यू है जो ना सिर्फ कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है बल्कि बॉडी के पार्ट्स को की मूवमेंट में या होल बॉडी की मूवमेंट में भी हेल्प करता है. इसका और इसके और फंक्शंस भी हैं क्योंकि इसके फर्दर टाइप्स है. सो टाइप्स के अकॉर्डिंग इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है. द अनदर फंक्शन ऑफ मसल इज ऑल्सो दिस, दैट इट कैन होल्ड बॉडी पार्ट्स इन पोस्टरल पोजिशन एंड इट ऑल्सो अलाउ द मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड हीट प्रोटेक्शन. ये हीट की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड यानी बॉडी की जो फ्लूइड है उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करता है और उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उसको स्पेसिफिक पोजीशन में भी ये होल्ड करता है. सो मसल्स हैज मैनी फंक्शन. मसल इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. द फर्स्ट वन इज स्मूथ मसल, द सेकेंड वन इज कार्डियक मसल एंड द थर्ड वन इज स्केलेटल मसल. सो वी कैन एक्सप्लेन one by one and we can explain the function of everyone. So the first function is smooth muscle is that this smooth muscle is involuntary in action. Smooth muscle jo hai hamare paas uska jo voluntary control hai, so they have no voluntary control. Body ka jo hai is muscle ko control karne mein koi role nahi hota. Body jo hai is muscle ko control nahi karta, so isi wajah se these muscles are involuntary in their action. इसी तरह कार्डियक मसल भी इन्वोलेंट्री इन एक्शन है. बॉडी जो हैज़ नो कंट्रोल ओवर दिस मसल. एंड द इन स्केलेटल मसल जो है बॉडी हैज़ कंट्रोल ओवर दिस. सो दैट्स वाई दिस मसल आर वोलेंट्री इन एक्शन. द सेकेंड वन फंक्शन ऑफ आर स्मूथ मसल इज दैट द स्मूथ मसल्स आर मोनोन्यूक्लिएटेड. व्हाट इज मीन बाय मोनोन्यूक्लिएटेड? दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पर सेल इज वन. मीन्स स्मूथ मसल हैज़ वन न्यूक्लियर पर सेल. स्मूथ मसल में जो है हमारे पास एक ही न्यूक्लियर होता है पर सेल, एक ही सेल में एक ही न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है. सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट मोनो न्यूक्लिएटेड. एंड इन कार्डियक मसल दे आर ऑल्सो मोनो न्यूक्लिएटेड, दे ऑल्सो हैज़ वन न्यूक्लियर पर सेल. वाइल स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे हैज़ मैनी न्यूक्लियर पर सेल. यानी एक ही सेल में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जबकि कार्डियक मसल में एक ही सेल में वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एंड सेम इन स्मूथ मसल दैट इसमें भी एक ही सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. द थर्ड वन फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज दैट द स्मूथ मसल इज प्रेजेंट इन द होलो विस्ट्रल ऑर्गन. देर प्रेजेंस के बारे में ये वाला है कि स्मूथ मसल जो है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर प्रेजेंट इन द होलो विस्ट्रल ऑर्गन. जो हमारे पास होलो ऑर्गन्स है जैसे कि हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन है, रिस्पायरेटरी है, यूरिनरी ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स, तो इसमें हमारे पास स्मूथ मसल जो है वो प्रेजेंट होते हैं. कार्डियक मसल जो है ये एज द नेम शोज दैट दिस इज प्रेजेंट इन द हार्ट. एंड स्केलेटल मसल इज प्रेजेंट इन द स्केलेटन. मीन्स बोन्स के ऊपर जो हमारे पास स्केलेटन होता है, सो स्केलेटल मसल जो है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिसने बोनी स्केलेटन को कवर किया हुआ होता है. सो दिस इज प्रेजेंट इन ओवर ओवर द बोन्स. फोर्थ वन हमारे पास जो है स्मूथ मसल्स के बारे में कि इसका स्पीड ऑफ कंट्रेक्शन कैसा है, ये इसकी कंट्रेक्शन का स्पीड जो है वो क्या है. सो स्मूथ मसल्स का स्पीड ऑफ कंट्रेक्शन जो है वो स्लो है. इसका कंट्रेक्शन का स्पीड जो है वो हमारे पास स्लो है. कार्डियक जो है वो इंटरमीडिएट है, यानी इट बी इन बिटवीन द स्लो और फास्ट. ये ना हमारे पास स्लो होता है बल्कि और ना ही ज़्यादा रैपिड होता है. सो दिस इज़ इन बिटवीन. ये एक ख़ास रिथम में इसकी कंट्रेक्शन होती है, ना कम होती है और ना ज़्यादा होती है, बस एक खास स्पीड के साथ इसकी कॉन्ट्रेक्शन होती है. एंड देन स्केलेटल मसल दिस इज स्लो टू रैपिड. द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इन स्केलेटल मसल इज स्लो टू रैपिड. ये स्लो भी हो सकता है और रैपिड भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. ये कौन से टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. अगर स्लो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो इसका कॉन्ट्रेक्शन का जो स्पीड है वो स्लो होगा. अगर फास्ट फंक्शन है तो उसका कॉन्ट्रेक्शन का जो स्पीड है वो रैपिड होगा. इसके अलावा फिफ्थ जो हमारे पास है वो है कि कंट्रेक्शन कॉज्ड बाय नर्वस सिस्टम,
स्मूथ मसल्स में जो कंट्रैक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, तो नर्वस सिस्टम की वजह से स्मूथ मसल में कंट्रैक्शन होती है। एंड इन कॉर्डिक मसल्स द कंट्रैक्शन इज कॉज्ड बाय स्पॉन्टेनियस, इसमें स्पॉन्टेनियस कंट्रैक्शन होती है। इसकी कंट्रैक्शन जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, बल्कि खुद बहुत ही इसकी कंट्रैक्शन होती है। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल है उसमें भी कंट्रैक्शन जो है इज कॉज्ड बाय द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की वजह से ही स्केलेटल में मसल में कंट्रैक्शन होती है। सो दिस इज 5 पॉइंट्स related to these muscles. Okay, जी हमारे पास 6 नंबर जो पॉइंट है अबाउट स्मूथ मसल, दैट स्मूथ मसल्स कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टू होलो ऑर्गन। हमें पता है कि स्मूथ मसल्स जो है हमारे पास होलो ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, उसमें होलो ऑर्गन में जो सब्सटेंस होता है उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। होलो ऑर्गन हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन और रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन में जो है हमारे पास फूड होता है, रेस्पिरेटरी में रेस्पिरेश गैसेस है, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन होता है, एंड ब्लड वेसल में ब्लड। तो ये इस सब्सटेंस की मूवमेंट में ये हेल्प करता है स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल जो है उसमें ये हार्ट में प्रेजेंट होता है, सो ब्लड की पंपिंग में इसका रोल होता है, ब्लड की पंपिंग में ये हेल्प करता है। इसके अलावा स्केलेटल मसल जो है हमारे पास है वो है बेयर हैवी लोड एंड चेंज बॉडी पोस्चर, यानी स्केलेटल मसल जो है वो हैवी लोड्स को बर्दाश्त करता है और उसकी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने में भी हेल्प करता है। तो इसके अलावा शेप के बारे में है, स्मूथ मसल्स का शेप जो है वो स्पिंडल शेप है, स्पिंडल के टाइप के होते हैं। एंड कार्डियक मसल्स जो है उसका शेप जो है ब्रांच्ड होता है, उसमें ब्रांचिंग होती है। एंड स्केलेटल मसल जो है वो हमारे पास स्पिंडल शेप में भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल में भी हो सकता है उसका शेप। इसके अलावा 8 नंबर पॉइंट जो है हमारे पास वो है नॉट टाइट, यानी स्मूथ मसल जो है वो आसानी वो तकते नहीं है, यानी अगर स्मूथ मसल्स बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपना फंक्शन भी प्ले करे बट ये बहुत इसकी अगर ये तक भी जाए तो हमें पता इसका नहीं चलता, हम इसकी वजह से नहीं तकते। कार्डिक मसल भी सेम लाइक दिस, दैट दिस इज दिस मसल्स नॉट टाइट इजली, ये भी जो है नहीं तकते। इसके अलावा स्केलेटल मसल जो है गेट टाइट, तो स्केलेटल मसल्स की वजह से हम बहुत जल्दी तक जाते हैं, यानी अगर हम कोई काम कर लें या हैवी लोड्स को उठाएं या अपनी बॉडी की एक ही पोजीशन में बैठे रहें सो हम बहुत जल्दी तक जाते हैं, और जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर लेते हैं ड्यू टू स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा स्मूथ मसल जो है हमारे पास अनस्ट्रिप्ड है, इसमें अनस्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिएटेड, ये स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड का मीनिंग जो है हमारे पास सेम है। तो what is striated? So striated muscles tissue is a muscle tissue that features repeating functional unit called sarcomere. हमारे पास जो sarcomere है this is a function unit of muscle, and striated muscle वही muscle होते हैं जिसमें sarcomere का जो है उसकी repeating unit जो है उसकी sarcomere जो है वो repeated form में present हो। इस repetition की वजह से, sarcomere की repetition की वजह से या इस sarcomere की presence की वजह से हमारे पास एक series of bands visible हो जाते हैं along the muscle fiber. मसल फाइबर का में हमारे पास एक बहुत ज़्यादा बैंड जो है वो विजिबल हो जाते हैं, एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेड अपेरेंस। स्ट्रेटेड अपेरेंस की वजह से अपेरेंस जो है हमारे पास आ जाती हैं बैंड्स की विजिबल होने की वजह से। तो इसमें हमारे पास सर्कुलर रिपीटेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई होती, सो इसी वजह से इसमें स्ट्रेटेड अपेरेंस नहीं हुई होती, सो दैट्स व्हाई दे आर अनस्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिएटेड। इसके अलावा कार्डिक मसल जो है इरेगुलर स्ट्रिप्ड है इसमें, और इसमें ये स्ट्रिएटेड है, इसमें सर्कुलर की रिपीटेशन भी हुई होती है, बैंड्स की बहुत ज़्यादा अपेरेंस विजिबल होते हैं, और जिसकी वजह से इसकी अपेरेंस जो है वो स्ट्रिएटेड होती हैं या स्ट्रिप्ड होती हैं। इसके अलावा स्केलेटल मसल भी सेम लाइक कार्डियक, दे आर ऑल्सो स्ट्रिएटेड एंड इन अपेरेंस, एंड देर आर ऑल्सो रेगुलर स्ट्रिप्ड, इसमें भी स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड जो है उसकी रेगुलर अपेरेंस हुई होती हैं। So this is all about muscles. I can discuss 50. So this is all about muscles. We discuss in 10 points in this video. And ये MCQ के अलावा आपका question में अगर question paper में muscles से related question आ जाए, इसके type से related आ जाए, तो आप और वो 5 मार्क्स का हो या 10 मार्क्स का, तो अगर आप लोग को ये सारे 10 पॉइंट्स याद हो और आप सिर्फ इसके हेडिंग ही याद कर लो, इसमें ये सारे बस पॉइंट्स लिख लो, तो आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जो है वो कंफर्म होंगे अगर आपको से ये सारे 10 पॉइंट्स याद हो हर एक मसल्स के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मसल, एंड आई कैन डिस्कस अनदर पॉइंट अनदर टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।